नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं पंजाब। पंजाब राज्य के अबोर तहसील में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है और आइए हम आपको फुल कवरेज भी दिखाते हैं। डीआर रिसोर्ट खंडवाला रोड अबोहर, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य की जानकारी यहाँ पर पोस्टर के द्वारा लगाए गए हैं। आज सत्संग का फुल कवरेज करने आए हैं हम। देखें सत्संग स्थल जहाँ पर भक्तों के द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। जहाँ पर पार्किंग गाड़ियों की व्यवस्था बनाई गई है भक्तों के द्वारा, और भक्तों के द्वारा ही साफ सुथरी व्यवस्था की गई है। एक तरफ आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें जीने की राह, ज्ञान गंगा, गहरी नजर, गीता, मुक्ति बोध आदि ऐसे पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया है। आप देख रहे हैं पंडाल स्थलों की सजावट बहुत ही मनमोहक है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर जहां पर सत्संग स्थल बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर संत जी के अनुयायियों की बैठक व्यवस्था बनाई गई है, ये दरबार साहिब है संत रामपाल जी महाराज जी का। साथ ही देख रहे होंगे एक तरफ भक्त भाइयों का और एक तरफ बहनों और माइयों की बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें सभी भक्त आत्मा सत्संग का लाभ उठाते हुए, सत्संग में इनको पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ज्ञान बताया जाता है शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान होता है। जो भी यहाँ आते हैं सभी विकारों से रहित हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं और हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहते हैं इनके अनुयायी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के विषय में, अब आँखों देखा वो संत जिनको भगवान मिले वो क्या कह रहे हैं, सेवक हो के उतरे, सेवक हो के उतरे, ऊपर ते आए नीचे उतरे, इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सुक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 96 और मंत्र 16 से 20 में है, और भी अनेक स्थानों पर। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 94, 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है, घूमता है वो इधर उधर है, और सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ अच्छे आत्मा को मिलता है और वो तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। और परमात्मा स्वयं अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। के चारों युगों में उन संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया जिनको मैं मिला, और मैंने भी स्वयं आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जनता को समझा। हीरे माणिक मोती बरसे ये तत्व ज्ञान रूपी सत साधना रूपी अमृत हम बरसा रहे हैं, मोती बरसा रहे हैं, इनको ग्रहण करते नहीं है भोले भक्त, और ये डड़े ढो रहे हैं, ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने डड़े कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो आन उपासना आन साधना के, अन्य भगवानों की पूजा करके तुम डड़े ढो रहे हो, और हम हीरे मोती बरसा रहे हैं, इनको ग्रहण नहीं कर रहे, तुम निर्धन होते जा रहे हो। क्या बताते हैं, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। ओए ओए। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहाँ पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी, एक घंटा डेढ़ घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म, वहाँ बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है, एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी, कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने, वहाँ पर ये सभी त्रिगुण उपासक रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी पुरी और नागा वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहाँ इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहाँ क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पूरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ से फिर स्नान करने के लिए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुद्धारा धन लक्ष्मी घर पापी के भी हुए। देख सकते हैं आप, ये माई लोग प्रणाम स्थल में आकर संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए और अपने दुख तकलीफ को दूर करते हैं, साथ ही भक्त आत्मा सत्संग का लाभ उठाते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप भी आ सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है इनको देख सकते हैं, जान सकते हैं। सत्संग को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। सत्संग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।